गांधी जयंती. ओके, नाउ टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, इन लास्ट टू लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न सम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फॉर बिफोर दैट वी स्टार्ट अवर दिस यूनिट विद द फूरियर इंटीग्रल, फूरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल. वी ऑलरेडी डन दिस. देन we are discussing about the introduction to Fourier transform and inverse Fourier transform. Okay, so again I start this session with that concept. Okay, so I already discussed this Hilbert-Meillen transform. Okay, what about the kernel and all the things we have discussed in last Tuesday. Okay, Tuesday sir. Yes sir, wo last example karwaya tha wo nikal. लास्ट एग्जाम्पल वी हैव नॉट डन एनी एग्जाम्पल. नहीं वो पिछला वाला इंटीग्रल वाला. इंटीग्रल वाला. ओके ओके. इसका सॉल्यूशन थर्ड वाला. ओके, क्यों आपको क्या प्रॉब्लम हुआ उसमें? सर उसमें हमने x = पाई बाय 2 ओमेगा लिया था लास्ट में. x = पाई बाय 2 ओमेगा. हाँ, तो उसके बाद हमने लिमिट ली थी एक्स की और उसकी जगह ओमेगा की लिमिट नहीं आएगी. एक्स की लिमिट लिए थे दिस वन आई थिंक दिस एग्जांपल. ओके, दिस इज द लास्ट एग्जांपल. बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स टी लैम्बडा 2 0 टू इनफिनिटी. एम आई राइट? दिस वन यस साइन इंटीग्रल. ओके पाई टू दिस वन. ओके now then we go for the yes here up to here any problem? No sir. Okay, then we go for the can write 0 to infinity 1 minus cos lambda pi. Okay, after substituting the x is equal to pi you are saying that. Okay, this is the value x is equal to pi by 2 omega leni padegi. Nahi isme humne wo nahi liya tha, isme to seedha aa gaya tha na hamara 0 to infinity. Prove karna hai na sir. हाँ तो प्रूव करने में तो सीधा आ गया. नहीं सर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना था ना. इसकी वैल्यू हमने ली थी उसमें. इसमें लिया होगा शायद. नहीं नहीं इसमें ही थर्ड वाले में. पाई ओमेगा है ना. एक्स की वैल्यू आपने पाई बाय 2 ली थी फिर मैंने बोला था पाई बाय 2 ओमेगा आएगा. ओके वन मिनट 1 माइनस कॉस लैम्बडा पाई पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स 1 0 1 बाय 2 एक्स इज इक्वल टू पाई के लिए तो दिस इज पाई बाय 2. So this is the integral, na? I think इसमें नहीं लिया है हमने. इसमें लिया होगा मैं बोल रहा हूँ ना. फर्स्ट में लिया. इसमें लिया होगा sir. वन मिनट. नहीं सर उसमें. इसमें साइन लैम्बडा. साइन लैम्बडा x. ओके. लास्ट में जो है साइन लैम्बडा x. यहाँ पर साइन लैम्बडा प्रूव करना है ना वो. ओके 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 उसके बाद वाला. यस 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 यहाँ पे. ओके साइन लैम्बडा एक्स में से हमको इसको रिमूव करना है ना. यस 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 यस. ओके तो रिमूव करने के लिए हमने यूज किया था. ओके तो साइन लैम्बडा एक्स रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया था? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा. ओके पाई बाय 2 ओमेगा. ओके हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? तो उसमें हमने लिमिट ली थी एक्स की और उसकी जगह बी ओमेगा की नहीं आई. ये ओमेगा की है ना. ये ओमेगा की लिमिट है. ये सभी जगह पे ओमेगा पहले तो. ओके अब जो ये ओमेगा है देखो आप जो इंटीग्रेशन है देखो ये रहा डन. क्लियर? जो एक्स वाली लिमिट होगी वो टी है वो डी टी. ओके वो तो हम बी लामड़ा और उसमें फाइंड करने के लिए. लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें तो लामड़ा रहता है ना मीन्स ओमेगा रहता है हमारे केस में. गॉट इट? ओके तो ये जो है यहाँ पे डी ओमेगा आएगा. यहाँ पे d लामड़ा इसलिए लिख रहा हूँ डोंट बी कंफ्यूज. ओके तो यहाँ पे d ओमेगा ही है. क्लियर? सर उसमें नहीं वो राइट साइड में हमने ली ना लिमिट राइट साइड में. यहाँ पे हाँ राइट साइड में. हाँ तो राइट साइड में तो लिमिट कहाँ लिया है? मतलब जीरो जीरो टू एक्स लेस देन पाई जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई की ली. हाँ 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 तो उसमें एक्स की ली उसकी जगह ओमेगा की नहीं आएगी. नहीं ये जो पूरा है वो x वाला है राइट साइड पूरा x वाला है रुमिल. हाँ
हाँ, और लेफ्ट साइड जो है वो डी लामड़ा वाला है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ पे जो भी हरकत करेंगे इट इज इन एक्स, एंड यहाँ पर जो भी करेंगे वो इट इज इन लामड़ा, एनी थिंग इन लामड़ा। ओके, जीरो टू इन्फिनिटी जो है मीन्स हम लामड़ा को रिमूव नहीं कर सकते लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स का कुछ भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक्स में ही हरकत करना पड़ेगा। हाँ सर, एक्स इंडिपेंडेंट है, पर अभी हमने वैल्यू ली एक्स इक्वल पाई बाय टू ओमेगा नहीं ली, तो ओमेगा इंडिपेंडेंट हुए होगा ना। पाई बाई टू ओमेगा लिया ना, तो उस तो वैल्यू है ना, पर उसमें तो वैल्यू क्या पर ओमेगा भी वेरिएबल ही है ना। ओमेगा वेरिएबल है, लेकिन वो उसकी वैल्यू के थ्रू में आ रहा है ना, समझे आप। एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, वो एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो वन एंड जीरो। ओके, तो आप एक्स इज इक्वल टू पाई ओमेगा जो हमने लिया पाई बाई टू ओमेगा, वो कहां पे जाएगा, वन के साथ जाएगा ना। हाँ, तो वो वन ही देगा सीधा, उसमें ओमेगा आएगा ही नहीं आपका। ओके, और डन। उसमें तो वन हो गया, और वो राइट साइड में एक्स की ली ना हमने, उसकी जगह बोल रहा हूँ। हाँ, तो राइट साइड पे ही मैं एक्स की बात कर रहा हूँ तुझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तू यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे एफ ऑफ पाई बाई टू ओमेगा, तो व्हाट इज माय व्हाट इज माय वैल्यू हियर। बोलो, एफ ऑफ पाई बाई टू ओमेगा यहाँ पे नो। तो फनी है। हाँ, तो इट ओके डन, हाँ, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स तो दो ही वैल्यू आपको प्रपोज कर रहा है, आइदर वन और जीरो, लेकिन इन बिटवीन जीरो टू पाई इट विल बी वन, एंड एक्स ग्रेटर देन पाई इट विल बी जीरो। हाँ ओके, गॉट इट। यस सर, तो दैट्स व्हाई इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर वन, सो यू हैव द आंसर पाई बाई टू। ओके ओके सर, ओके, नाउ एनी प्रॉब्लम, नो सर, ध्रुविल। ओके, अभी भी पता नहीं चला है तो लास्ट में हम फिर से डिस्कस करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ओके ओके, देन नेक्स्ट। हाँ, यस, वी वांट टू डिस्कस दिस, द फूरियर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। ओके, और मैंने बार बार भी पूछा था, इज देयर एनी डाउट, अभी भी पूछ रहा हूँ, इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट। No, sir. Okay, then our main formula, the Fourier transform of f of x is given by this one, f of omega is equal to minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx, and the inverse Fourier transform is given by f of x is equal to 1 upon 2 pi minus infinity to infinity f of omega e raised to I omega x d omega, क्योंकि inverse find करने के लिए यहाँ पे आप ओमेगा रिप्लेस करना पड़ेगा जो यहां पे आपने फाइंड किया होगा, और जो आपको रिवर्स में मिलेगा दैट इज योर एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज नोन एज द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इन अवर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म देन गो विद दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म देन यू हैव टू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला। ओके, अब इन मेनी बुक्स देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, और देर आर टू डिफरेंट सेट्स फॉर फॉर्मूलाज। ओके, तो वन सेट जो है वो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो द फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कैन ऑल्सो बी गिवन बाय एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेस टू आई ओमेगा एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे देखो क्या किया, तो जो ई रेस टू माइनस आई ओमेगा एक्स किया था वो यहाँ पे प्लस ले लिया, और जो एफ ऑफ एक्स है उसमें उसको माइनस ले लिया। मीन्स आप इस तरीके से जाते हो, कभी कभी बुक में ये भी देखने को लिए मिलेगा आपको, है ना, कुछ बुक में ऐसा भी मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सेम वे अगर आप जो 1 अपॉन 2 पाई है उसका दो पार्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन रूट 2 पाई, 1 अपॉन रूट 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन रूट 2 पाई, ओके, इनटू 1 अपॉन रूट 2 पाई, तो एक जो 1 अपॉन रूट 2 पाई है वो एक फॉर्मूला के साथ चला जाएगा, और दूसरा जो है दूसरी फॉर्मूला के साथ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मीन्स द फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कैन ऑल्सो बी गिवन बाय एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट
2 pi minus infinity to infinity f of x e raised to I omega x dx, and f of x is equal to 1 upon root 2 pi minus infinity to infinity f of omega e raised to minus I omega x d omega. There are three different sets for this formula. Okay, आप इसमें से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन प्लीज डू विद दिस. ओके, ये दो फॉर्मूला से ज्यादा आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है. ओके, तो ये दो फॉर्मूला ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे. हु इज देयर, प्लीज म्यूट योर ऑडियो. स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ पटेल 19EC053. म्यूट योर ऑडियो स्मिथ. स्मिथ म्यूट योर ऑडियो. ओके, देन हाँ, ओके. फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0, 0 लेस देन एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए. ओके, तो अब इसको कैसे करना है, तो यहां पे देख लो. सॉरी, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज टू माइनस I omega x dx. This is our original formula of Fourier transform. Okay, now what we have, f of x 1 and 0. So separate it, means you can do here integration minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx. Here dx is there. So we have the partition, two partition of f of x. So we start with that plus this one. Okay. Now our integral is start from 0 to a due to f of x is in positive. So here minus infinity to 0 will be 0 automatically. So 0 to a and a to infinity. Okay. Now what is the function in between 0 to a? It is 1. So e raised to minus I omega x dx plus a to infinity, or yahan pe 0 hai, to 0 into minus I omega x dx. Okay. So here this will be 0. Now integration 0 to a e raised to minus I omega x dx. Okay. So we know that the integration of e raised to alpha x will be e raised to alpha x upon alpha. So here you have e raised to minus I omega x divided by minus I omega, because the constant for x is minus I omega, and limit will be 0 to a. Now first we substitute a. So what we have, minus, first our denominator will be same, so minus e raised to minus I omega a minus plus e raised to 0. So e raised to 0 is 1, so 1 minus e raised to minus I omega a divided by I omega. This is my Fourier transform. Student, how many student understand this? Please raise your hand. Okay, good. Very good. Most of the student understand this. Okay, if you have doubt, then please let me inform, then I will repeat it. Like in quickly, huh? Because we don't waste our time. Any doubt, student? Yes, Ravi? Yes, sir. Any doubt? No, sir, I have just joined. Okay. No problem.
Okay. Then try for first example. Find the Fourier transform for the function f of x is equal to 1, 0 modulus of x less or equal to a and 0 for modulus of x greater than a. Okay, chalo iske liye try karo, then we will discuss. Find Fourier transform for the function f of x is equal to 1, 0 1 for modulus less or equal to a and 0 for modulus of x greater than a. Try for that. Sir. Yes. આમાં લિમિટ 0 ટુ a અને a ટુ ઇન્ફિનિટી આવશે. નો નો ધેટ્સ વાય આઈ ગિવ યુ ઇન સેલ્ફ સ્ટડી. ઓકે નાઉ લુક એટ હિયર એવરીબડી, વોટ ઇઝ માય સ્ટેટમેન્ટ? આઈ રાઇટ ડાઉન ફર્સ્ટ. સો f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ f ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઓકે 0 modulus of x less or equal to a and modulus of x greater than a. Okay, ये थोड़ा समझना जरूरी है कि x का रेंज, तो लुक एट हियर, जिसको भी नहीं पता चला है क्योंकि दिस इज वेरी यूजफुल इन एवरी एग्जाम्पल. तो वट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए? वट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इंप्लाइज नेगेटिव माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए. ओके डन, क्लियर? यस सर. ओके एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए? देर आर टू डिफरेंट क्राइटेरिया हियर. व्हाट इज इट? एक्स ग्रेटर देन ए एंड माइनस एक्स ग्रेटर देन ए. ओके so if you run x greater than a, then a less than x less than infinity, how it will be maximum? Up to infinity. Then modulus of x greater than a gives x less than minus a, but how it will be negative? So minus infinity less than x less than minus a. Clear? So we have three interval here in two things. Okay, one minus infinity to minus a, second minus a to a, and third one is a to infinity. Okay, so these three intervals in this function. Okay, any confusion? How many students don't understand this? No sir. जब भी इस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिया जाए, देन थिंक अबाउट द रेंज ऑफ एक्स. ओके देन नाउ वी स्टार्ट अवर एग्जाम्पल. सो व्हाट इज अवर फॉर्मूला? द फूरियर, वन मिनट, द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज, व्हाट इज इट? F of omega is equal to integration minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx. Okay, keep in your mind. Okay, then integration minus infinity to infinity have three different limits. So minus infinity to minus a plus minus a to a plus a to infinity. Okay, so what is my function in between minus infinity to minus a? Chalo batao. No. Minus infinity to minus zero, zero. Yes, yes, it will be zero. So zero into e raised to minus I omega x dx. Okay, minus a to a, Drumil, what is the value of f of x minus a to a? 1.
Yes, it will be 1. So 1 into e raised to minus I omega x. Okay, and minus, a to infinity. Chalo, third, koi volunteer, batao. 0. Yes, 0. So e raised to minus I omega x dx. Okay, then these both integrals will be 0. Okay, this one and last one, both integrals will be 0. So what is our max? Okay, what is our last? So minus a to a, okay, e raised to minus I omega x dx, it will be e raised to minus I omega x divided by minus I omega, and it is minus a to a, so replace first a then minus a, so I omega is there, so e raised to minus I omega a negative plus e raised to I omega a positive. Okay, so what is our final answer? It will be e raised to I omega a minus e raised to minus I omega a divided by I omega. Okay, any confusion? Student, how many get this answer? Please raise your hand. Yes, Smith, good, good, Maitri, good. Okay. Many student, okay, good. Sir. Yes, Kathy. Sir, as the equation is f of x e raised to minus I omega x dx, if Fourier transform no, a main equation is, lemma sin cos vary koi term nahi aave. Yes, nahi aave. No, nothing. So, sir, aapne pehla je karta tha, ek khali Fourier sin ke cos integral hata. There is different criteria, Kathy. Is known as Fourier integral, Fourier sine integral and Fourier cosine integral. But it is different things. And from that Fourier integral, Fourier invented this Fourier transform. So sir, a Fourier transform at only a main equation se bija koi nothing. Okay, no. No, okay, but there are many disputes in that, means in the books you have you will see these three sets. For this one, this is the set number 1, okay, this is the set number 1, this is the set number 2, and this is set number 3. Okay, Kathy, ye teen mein se aap koi bhi le sakte ho, there is no issue. Sir. Okay, ये तीनों का सेट जो है, फर्स्ट सेट में देखो, यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर, फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. लेकिन ये सेट को ब्रेक नहीं करना है. इफ यू टेक दिस वन देन यू हैव टू गो विद दिस एफ ऑफ एक्स. ओके, इफ यू स्टार्ट विद दिस एफ ऑफ ओमेगा देन यू हैव टू यूज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन ओनली. नाउ गॉट इट? ओके सर. Okay. Yes, sir. You have to not break any chain. Okay. So, अगर आप जो लेते हो उसके साथ जो पैर में है वही आपको consider करना है. Then it's true. Okay, sir. Okay. Then any confusion, student? Okay. Then we go for the second example. चलो. Try for this. Find the Fourier transform for f of x is equal to 1 minus x square. 0 modulus of x less or equal to 1 modulus of x greater than 1. Try up to here, then we go for the deduction part. First try up to here. Again, 1 minus x square 0 modulus of x less or equal to 1 and modulus of x greater than 1. Complete up to here Fourier transform.
Okay. So if you don't understand, please look at here. So solution here. Okay. So first you have the function. So how many in f of x? चलो बताओ, हाउ मेनी इंटरवल्स आर इन अवर फंक्शन? थ्री थ्री. ओके, एज यूजुअल इन फर्स्ट एग्जांपल. ओके, यहाँ पे वन था, यहाँ पे सिर्फ सॉरी यहाँ पे ए था और यहाँ हमारे केस में वन है. ओके, सो अगेन वी स्टार्ट विद द फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला. सी मूव योर माइंड श्रुति. द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज, सो व्हाट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला? फूरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इज, ओके, सो एफ ऑफ ओमेगा is equal to minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx. Okay, this is our formula. Now here we have three partitions, so we do three partition: minus infinity to minus 1, plus minus 1 to 1, plus 1 to infinity. So what is my value in minus infinity to minus 1? Let me inform. Yes, sir. 0. How many students don't understand this? 0. How it comes 0? Please ask me. I omega x dx. Okay. Minus 1 to 1, it is 1 minus x square. Okay. E raised to minus I omega x dx. Then 1 to infinity, it will be again 0. E raised to minus I omega x, okay, dx. Now these both are 0, so this will be 0. Now what is your remaining part? Remaining part is equal to, I am writing here, okay, equal to minus 1 to 1, 1 minus x square e raised to minus I omega x dx. Okay, so how we can solve, how we can integrate this integration? How we can integrate this? Anybody? UV rule. Yes, UV rule. Okay, means Leibniz rule, extension formula we yahan bhi use kare. Everybody know extension formula of UV rule? Yes, sir. Okay, what is it? U into integration V minus U dash into double integration V plus up to so on. Okay, that means UV dx. Okay, UV. Okay, so first U as it is, integration of V1 minus U dash integration of V1 again, that means V2, then plus U double dash derivative of U dash, and then integration of V2, V3 and so on, means plus minus plus minus. Okay, this is the extension form of UV rule. Okay, and it will in invented by Leibniz. So here minus infinity to infinity, first I write down U. What is my U here? What we can take U? One minus x square. Yes, this is our U and this is our V. Because U is vanishing after some steps, so we can consider as 1 minus x square. So 1 minus x square as it is. Okay.
then the integration of e raised to minus I omega x. So e raised to minus I omega x divided by minus I omega, then second term will be minus, so minus the derivative of 1 minus x square, what is it? Minus 2x. Yes, good. Minus 2x e raised to minus I omega x ka phir se integration. So e raised to minus I omega x as it is divided by minus I omega whole square. Okay, then plus the derivative of minus 2x will be minus 2. Then integration of e raised to minus I omega x again. So e raised to minus I omega x divided by minus I omega cube. Okay. And my limit, next term will be 0 because minus 2, derivative of minus 2 will be 0. So I stop here and this is your minus 1 to 1. Clear? Okay. Now substitute first one. So what is our first term? It will be 1 minus 1. So 0 minus minus plus 2 into 1. So 2. Okay. E raised to minus I omega divided by I square into omega square. Clear? Then minus 2. So minus 2 e raised to I omega x. So e raised to minus I omega divided by minus I cube into omega cube. Then I am substituting second limit. So 1 minus minus 1 whole square, that means 1 minus 1 again, so it will be 0. So this is the 0. Then minus minus plus, plus minus minus again, kyunki hum second limit substitute kar rahe hai, to yahan pe dekho minus minus plus, then second limit will be minus. So yahan pe minus 2 into minus 1 e raised to I omega, क्योंकि minus minus plus divide by I square omega square. The last term will be minus minus plus 2 e raised to minus minus plus I omega divide by minus I cube into omega cube. Any doubt up to here? Any confusion? Student, let me inform. No, sir. Okay, what about others? No, sir. No, sir. Okay, okay. Then, then what we have? 2 into e raised to minus I omega divided by, what is value of I square? Minus 1. So this is your minus omega square minus minus plus 2 e raised to minus I omega upon, okay, I cube. I cube ko main kya likh sakta hun? What I can minus write? Minus I. Yes, it is I cube means kya hoga dekho, minus to maine plus mein le liya aage. Okay, to minus I cube hai. So I cube is, isko plus hi consider kar raha hu. That means I square into I. What is my value of I square? It is minus 1. So this is minus I. So here minus I into omega cube. Then here minus minus plus. So plus 2 e raised to I omega divided by minus omega square minus 2 e raised to I omega divided by, again it is minus I omega cube. Clear? Okay. Now think about these two terms, omega square, omega square. So what we have here, my minus 2 will be outside. So can I write in this way, minus I omega plus e raised to I omega divided by omega square. And second term will be minus 2, okay, upon, okay, yes, 2 into e raised to minus I omega
यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ई रेस टू आई ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा क्यूब इन टू आई. एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर. नो? पक्का? नो सर. ओके ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट टर्म. एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट टर्म? सो नेक्स्ट इज माइनस टू की जगह पे माइनस फोर कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, और ई रेज टू आई ओमेगा प्लस ई रेज टू माइनस आई ओमेगा बाई टू कर रहा हूँ. ओके, मैंने टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. सेम वे यहाँ पे माइनस कॉमन पहले ले रहा हूँ और फोर कर रहा हूँ, ओमेगा क्यूब लिख रहा हूँ आउटसाइड, एंड यहाँ पे ई रेज टू आई ओमेगा माइनस ई रेज टू माइनस आई ओमेगा डिवाइड बाय टू आई कर रहा हूँ. एम आई राइट? एनी कन्फ्यूजन इन दिस स्टेप? नो सर. ओके, आई रीअरेंज ऑल दिस टर्म सो आई कैन राइट इन सब्स्टिट्यूशन वे. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? ई रेज टू आई ओमेगा प्लस ई रेज टू माइनस आई ओमेगा बाय टू कॉस एच ओमेगा. कॉस एच हाइपरबोलिक? हाउ इट इज हाइपरबोलिक? आई अगर यहाँ पे आई नहीं होता तो हाइपरबोलिक आता. ख्याति, यहाँ पे आई है. सर, ओके ओके, टू आई तो साइन में होना चाहिए ना? वो तो साइन में होना चाहिए, वो तो पीछे है ही. ओके ओके, तो दिस इज अवर कॉस ओमेगा. डन? क्लियर? प्लस फोर अपॉन ओमेगा क्यूब और दिस इज अवर साइन ओमेगा. डन? Yeah. So if I put outside then and taking LCM, then what we get here? 4 upon omega cube. So what we hear? Omega cos omega, okay, plus sine omega. This is the minus, okay. डिवाइड बाय, ओके हो गया ना. डन? क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू हियर स्टूडेंट? यस और नो? नो सर. ओके, आई एम टेकिंग एलसीएम बोथ साइड एंड फोर अपॉन ओमेगा क्यू विल बी आउटसाइड. क्लियर? ओके, सो दिस इज अवर फूरियर ट्रांसफॉर्म. बट इज इट ट्रू फॉर एवरी ओमेगा? इज इट ट्रू फॉर एवरी ओमेगा? नो सर, जीरो और वन के लिए कॉस एंड साइन. जीरो एंड वन के लिए सर कॉस, अगर कॉस जीरो होगा तो वो वन होगा, लेकिन साइन जीरो जीरो हो जाएगा. नो 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 नो, इट इज रॉन्ग वे. डिस्टर्ब कब होगा? ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला डिनोमिनेटर, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं को 4 अपॉन एस माइनस 1, तो ये कब वैनिश होगा? मींस इट इज नॉट डिफाइन. कब होगा? 1 से. 1 से किसका 1? एस इज इक्वल टू 1 लेंगे तब ना. यस, सो इन दैट वे व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ ओमेगा कि जिसके लिए ये सही नहीं है? जीरो है ना डिनोमिनेटर में. देखो ओके, तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो. एम आई ट्रू? क्लियर? कि ओमेगा जीरो नहीं लेंगे तभी ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है. करेक्ट? अंडरस्टैंड? यस सर. ओके, सो व्हाट अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू जीरो? क्योंकि ओमेगा इज इन आवर रेंज. ओके, हमको तो ओमेगा लेना है ना, डिफाइन करना है ना. क्लियर? तो जो ओमेगा है वो हमारा जो ओमेगा है वो भी रेंज फिक्स करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के लिए हम फिर से ट्राई करेंगे. ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारी फॉर्मूला है एफ ओमेगा इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर. यस? ओके, सो यहाँ पे हमको ओमेगा जीरो करना है. देन व्हाट वी गेट हियर? So omega 0 is equal to, sorry, omega is equal to 0, f of 0 minus infinity to infinity,
f of x is there and e raised to minus I omega x. So omega is equal to 0. So here we have dx. Okay. Now we know that this is true for only minus 1 to 1. Our function is only minus 1 to 1 is there. Otherwise it will be 0. So yahan pe 1 minus x square hai. So I put here minus 1 to 1, 1 minus x square dx. Okay. And then what is the integration of this? So it is x minus x cube by 3 minus 1 to 1. First replace 1. So it will be 1 minus 1 by 3 minus minus 1 minus minus plus 1 by 3. So here we have 1 minus 1 by 3 plus 1 minus 1 by 3. That means 2 minus 2 by 3. What is the value of this 2 minus 2 by 3? 4 by 3. Okay, pakka. So it is your 4 by 3. So it means that when omega is equal to 0, then the Fourier transform will be 4 by 3. And if omega not equal to 0, then that means the Fourier transform will be 4 upon omega cube minus omega cos omega plus sin omega. This is in general way and this is in particular case. Any confusion up to here? Student? How many students don't understand this? Please raise your hand. Yes, Kathy, yes. सर हमने आगे जो साइन कॉस वाला किया उसमें लिमिट जीरो की तो है ना, तो फिर ये अलग से क्यों किया हमने? नहीं नहीं, जीरो की लिमिट आ रही है. वो जब लिमिट की बात करते हो तब क्या होता है कि वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में होता है तब. लेकिन ये तो क्या है कि कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा, ये जो ऊपर वाला है वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ देगा. लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर. न्यूमेरेटर तो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ देगा. वो डिस्टर्ब कब करेगा? जब इंफिनिटी होगा तब. अंडरस्टैंड? यस सर. लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमको इन बिटवीन वाली वैल्यू में हमको डिस्टर्ब कर रहा है. दैट मीन्स ओमेगा जब जीरो होगा तब वो पूरा एक्सप्रेशन नॉट है ना, नथिंग ऐसा हो जाता है ना. मीन्स इन्फिनिटी मीन्स नथिंग, आप कुछ नहीं बोल सकते उसकी जगह पे. तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना कि दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. क्लियर? यस सर. ये है लेकिन कब? जब ओमेगा नॉट जीरो है तब. अब यहाँ पे आप ओमेगा नॉट जीरो में आप ओमेगा इज इक्वल टू पाई लेंगे, दैट विल बी अनदर वैल्यू. ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय टू लेंगे, दैट विल बी अनदर वैल्यू. ओके, लेकिन डिस्टर्ब कब करेगा? जब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है तब. अब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है तब हमने फाइंड करके दे दिया कि ऑलवेज इट विल बी 4/3. नाउ गॉट इट? ओके सर. ओके ओके. एनी अदर क्वेश्चन? ध्रुमिल, विकास, ध्रुवी, तन, आप लोगों ने रेज हैंड किया है तो एनी डाउट? नो सर. ओके ओके ओके, थैंक यू. ओके, नाउ वी गो फॉर देवर रिडक्शन पार्ट. अप टू हियर वी कंप्लीट इट. ओके, ऑल्सो यूज इट टू इवेल्यूएट दिस वन. जीरो टू इन्फिनिटी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई टू डी एक्स. ओके, तो यू कैन सी हियर वी हैव ऑलरेडी दैट वैल्यू. ओके, हमारे पास वो है ही. अब क्या करेंगे देखते हैं. चल नेक्स्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर एग्जाम्पल. ओके, वट इज अवर एफ ऑफ ओमेगा? एफ ऑफ ओमेगा हम पहले लिख लेंगे. तो वट इज अवर एफ ऑफ ओमेगा? सो एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा क्यूब एंड फर्स्ट वैल्यू इज अवर माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा. ओके, सो दिस इज अवर साइन ओमेगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0. ओके, दिस इज अवर फूरियर इन फूरियर ट्रांसफॉर्म इन जनरल. ओके, तो इसका हम यूज करेंगे इसके लिए. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू प्रूव? 0 टू इन्फिनिटी x cos x माइनस sin x अपॉन x क्यूब cos x / 2 dx. तो जब भी आपको डिडक्शन पार्ट, यू हैव टू अप्लाई फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म. ओके, तो व्हाट इज माय फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म? इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ ओमेगा e रेज़ टू i ओमेगा x d ओमेगा.
Okay, so I am going with that. So the Fourier, yes, the Fourier inverse transform is, what is the formula? F of x is equal to 1 upon 2 pi integration minus infinity to infinity f of omega e raised to I omega x d omega. This is my Fourier inverse transform. Okay, so here 1 upon 2 pi is as it is, minus infinity to infinity f of omega means 4 upon f in minus infinity to infinity. Yes, it will be minus infinity to infinity. Now this is our f of omega means 4 upon omega cube into minus omega cos omega plus sine omega. Okay, is it visible? E raised to I omega x d omega. It is visible or not? Student, is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then, okay, thank you. Then here you can say that 1 upon 2 pi is as it is. Okay. So 1 upon 2 pi into 4, only 4 you can put outside because here our limit is on omega. So you cannot put it outside. So 1 upon omega cube as it is. Now first term will be my minus omega cos omega into e raised to I omega x, okay, d omega. And what is my second term? So plus 1 upon 2 pi into 4 minus infinity 1 upon omega cube into sine omega e raised to I omega x d omega. Okay, any confusion up to here? No sir. Okay, then here we can extend our this study to 1 upon minus 2 to cancel out. So it will be 2 by pi minus infinity to infinity minus omega cos omega upon omega cube. Okay, तो यहाँ पे सीधा cancel कर देते हैं एक omega को. तो यहाँ पे cancel करने के बाद क्या मिलेगा हमको? Omega square बचेगा. अब यहाँ पे e raised to I omega x की formula क्या है? E raised to I theta. What is the formula? Yes, yes. E raised to I theta क्या होगा? cos theta plus I sin theta. Yes, cos theta plus I sin theta. Okay, we are using here. So we have formula cos omega x plus I sin omega x divided by, वो तो हो गया ना, divide by, okay, divide by 1 ही होगा सीधा. Okay, done. Into d omega. Clear? Then second step, plus 2 by pi minus infinity to infinity here again sine omega upon omega cube into pura yahi ka yahi, that means cos omega x plus I sine omega x into d omega. Clear? Okay. Then, sir, yes. Sir, our limit minus 1 to 1 nahi aave. Nahi. Kahan se minus 1 to 1 aayega? Because aapru f of omega to minus 1 thi 1 maate find karyu chha na. No, f of omega one, humne minus 1 to 1 nahi. Wo function jo hai, wo minus 1 to 1 mein vary kar raha hai. Lekin jo f of omega hai, wo sab ke liye hai, sirf omega not equal to 0 ke liye nahi. Okay. सॉरी ओमेगा इक्वल टू जीरो के लिए नहीं, सॉरी माइनस से. ओके, बाकी सब के लिए वो वैलिड है. देन क्लियर? ओके सर. ओके, देन हियर वी हैव 2 बाय पाई आउटसाइड अगेन, देन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी
Here first term will be minus cos omega into cos omega x divided by omega square d omega. Okay. Then again 2 by pi plus minus infinity to infinity. What is my second term? Sin है ना, i के साथ sin आएगा. That means minus cos omega into i sin omega x divided by omega square d omega. Okay. Then third term will be our plus 2 by pi. Okay. Minus infinity to infinity sin omega cos omega x divided by omega cube d omega. It is very lengthy example, but you can do. Okay. Yahan pe plus 2 by pi minus infinity to infinity. Then what we have, sin omega upon omega cube is there and into I. Okay. That means sin omega into I aega. Yahan pe sin omega x divided by omega cube d omega. Okay. Now we are using here concept of even odd. That's why I am separating it so you can understand very well. Okay. What is the first term? Chalo batao. First mein even hoga ki odd hoga? Cos into cos hai. Even. Okay. It is even. Done. Everybody? Yes, sir. Okay, it is even because cos is even. Okay, अब किस में even check करना है? That is big question. तो यहाँ पे हम omega के लिए even odd check कर रहे हैं. Keep in your mind. Okay, omega के लिए हम check कर रहे हैं, x के लिए नहीं. तो यहाँ पे even yes. into even है, तो again even हो जाएगा. Now look at here. Cos into sin है यहाँ पे. So odd. What is that? Cos into sin. Odd. पक्का? Yes, sir. Okay, that means it will be odd function. पक्का मान रहे हो? Yes, sir. मुझे नहीं लग रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ. पक्का है ना? मैं लिख रहा हूँ. नहीं सर, ओमेगा स्क्वायर है तो शायद नहीं होगा. ओमेगा स्क्वायर है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओमेगा स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. लेकिन कॉस देखो, कॉस इवन है तो फॉर एग्जांपल मैं एक्स स्क्वायर ले लू इनटू एक्स ले लू तो व्हाट विल बी ऑड फंक्शन एक्स क्यूब. पक्का? यस सर. ओके चलो, इट इज आई कंसीडर एज ऑड फंक्शन. देन अगेन दिस विल बी odd. Yes, sir. ऐसा ही बोल सकते हैं ना हम. और sin वाला even. पक्का? Yes, sir. ओके, नहीं देखो थोड़ा गलत हो गया. चलो यहाँ पे देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना था ना वो ओमेगा पे करना है. ओके तो यहाँ पे अगर ओमेगा इंटू एक्स है तो अगर उसको आप कंसिडर करने जाएंगे तो फंस जाएंगे. ओके क्योंकि x का भी रोल है ना वहां पे, तो इंडिपेंडेंट ओमेगा वाला यही है. क्लियर? तो यहाँ पे cos ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करना है तो इट विल बी इवन. गॉट इट? क्लियर? समझ रहे हो आप? पता चला कि नहीं स्टूडेंट? आर यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. ओके, अब यहाँ पे सेम तरीके से cos ओमेगा अपन ओमेगा स्क्वायर, तो अगेन इवन अपॉन इवन हुआ है ना, तो इट विल बी इवन. डन. नाउ वी गो फॉर दिस वन. तो यहां पे देखो साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब इट विल बी ऑड, क्योंकि ऑड है ना ऊपर नीचे दोनों. और अगेन yes, यहां पे, और यहां पे अगेन ऑड हो जाएगा क्योंकि साइन भी ऑड है यहां पर भी ऑड है. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, sir.
ओके देन जहां पर भी ऑड फंक्शन है और एक लिमिट नेगेटिव एक लिमिट पॉजिटिव है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इट विल बी जीरो सो दिस विल बी जीरो दिस विल बी जीरो एंड दिस बोथ विल बी टू टाइम्स सो हियर वी कैन राइट हियर टू इंटू टू दैट मीन्स फोर ओके यस वी कैन राइट हियर फोर अपॉन पाई ओके माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी what is our first integral minus cos okay so minus cos omega into cos omega x I think I am made mistake again because we want to prove that what we want to prove that x by 2 here x omega into cos x ओके हियर टेन 18 हो रहा है इन नेक्स्ट क्लास बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि वी आर डूइंग सम मिस्टेक ओके सो वी आई विल एक्सप्लेन यू अगेन यहाँ से हम एग्जाम्पल फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जल्दबाजी में मज़ा नहीं आएगा है ना मुझे भी नहीं आएगा और आपको भी नहीं मज़ा आएगा अंडरस्टैंडिंग में है ना इसलिए